और कई जरूरी सुझाव भी दिए हैं। और बहुत स्वाभाविक था कि जहां पर मृत्यु दर ज्यादा है, जहां पर कोरोना का स्प्रेड तेज हो रहा है, उन राज्यों के साथ विशेष रूप से चर्चा की गई है। लेकिन बाकी राज्यों के पास भी काफी अच्छे सुझाव हो सकते हैं, तो मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे कोई पॉजिटिव सुझाव जो जरूरी हैं आपको लगता है वो मेरे तक पहुंचाइए, ताकि कोई कोई रणनीति बनाने में वो उपकारक होंगे। अभी यहाँ जो प्रेजेंट भारत सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सचिव की तरफ से प्रेजेंटेशन रखा गया, उससे भी स्पष्ट है कि एक बार फिर चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है। कुछ राज्यों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है, ऐसे में गवर्नेंस सिस्टम में सुधार ये बहुत आवश्यक है। ये मैं समझ सकता हूं कि साल भर की इस लड़ाई के कारण व्यवस्था में भी थकान आ सकती है, ढीलापन भी आ सकता है, लेकिन ये दो तीन सप्ताह और अगर हम टाइट करें और अधिक गवर्नर्स को बराबर मजबूत करें, इस पर हमने बल देना चाहिए। साथियों, आज की समीक्षा में कुछ बातें हमारे सामने स्पष्ट हैं और उन पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहला, देश फर्स्ट वेव के समय की पीक को क्रॉस कर चुका है और इस बार के ग्रोथ रेट में पहले से भी ज्यादा तेज है। दूसरा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्य फर्स्ट वेव की पीक को भी क्रॉस कर चुके हैं। कुछ और राज्य भी इस ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम सबके लिए ये चिंता का विषय है, सीरियस कंसर्न है। और तीसरा, इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए हैं। अधिकतर राज्यों में प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है। ऐसे में कोरोना के केसेस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करना आवश्यक है। साथियों, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे पास पहले की अपेक्षा बेहतर अनुभव है, पहले से की अपेक्षा अच्छे संसाधन है और अब एक वैक्सीन भी हमारे पास है। जन भागीदारी के साथ साथ हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ केयर स्टाफ ने स्थिति को संभालने में बहुत मदद की और आज भी कर रहे हैं। आप सभी में अपने पहले के अनुभवों का प्रभावी ढंग से उपयोग अपेक्षित है। अब आप कल्पना कीजिए कि गत वर्ष इन दिनों में हमारे हाल क्या थे। हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थे, इवन मास्क कहां से मिलेगा ये भी एक चिंता का विषय था, पीपी किट नहीं था। और उस समय हमारे लिए बचने का एकमात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्थाओं को एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वो हमारी स्ट्रेटेजी काम आई। हम व्यवस्थाओं को बना सके, संसाधन खड़े कर पाए, हमारी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई, दुनिया से जहां से प्राप्त कर सकते कर पाए और लॉकडाउन के समय का हमने उपयोग किया। लेकिन आज जो स्थिति, आज जब हमारे पास सब संसाधन है, तो हमारा बल, और ये हमारे गवर्नेंस की कसौटी है, हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है, वहां मेरा आग्रह है
कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ मैं कोरोना काल में जी रहा हूं, और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज्यादा न हो, और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है, तो हमने इसके तरफ ध्यान देने के। लेकिन मैंने पहले कहा, अब हमारे पास व्यवस्था इतनी हो चुकी है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, उसी पर बल दीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हाँ, उसमें जरा सरकार को थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ती है, गवर्नेंस को टाइट रखना पड़ता है, हर चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है, लेकिन ये मेहनत रंग लाएगी, ये मुझ पर विश्वास कीजिए। दूसरी बात है, हमने पिछली बार कोविड का आंकड़ा 10 लाख एक्टिव केसेस से 1.25 लाख तक नीचे लाकर दिखा दिया था। ये जिस रणनीति पर चलते हुए संभव हुआ वो आज भी उतने ही सटीक है। और मजा देखिए, उस समय सफलता हम ही लोगों ने पाई थी, तब संसाधन भी कम थे, आज तो संसाधन ज्यादा है और अनुभव भी ज्यादा है, और इसलिए हम इस पीक को बहुत तेजी से नीचे ला सकते हैं, पीक को ऊपर जाते रोक भी सकते हैं। और अनुभव कहता है कि टेस्ट ट्रैक ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। और आप देखिए, अब एक विषय ऐसा आया है, मैं आप सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि आप अपने राज्य की मशीनरी के द्वारा थोड़ा अगर एनालिसिस करें, सर्वे करें, और एक सवाल का जवाब हमें मिल सकता है क्या? मैं इसको सवाल के रूप में कह रहा हूं। होता क्या है कि इन दिनों कोरोना में, ये थोड़ा वेरिफिकेशन का विषय है लेकिन आप ही उसको राज्य में करवा सकते हैं, पहले कोरोना के समय क्या होता था, हल्के फुल्के सिम्टम्स भी लोग डर जाते थे तो तुरंत एक्शन लेते थे। दूसरा, इन दिनों बहुत पेशेंट असिम्टोमेटिक है और उसके कारण उनको लगता है तो ऐसे ही थोड़ा जुकाम हो गया, ऐसा हो गया, कभी कभी तो वो भी नजर नहीं रहा, और उसके कारण वो परिवार में पहले की तरह ही जिंदगी जीते हैं और परिणाम स्वरूप पूरा परिवार लपेट जाता है और फिर इंटेंसिटी बढ़ती है, तब हमारे ध्यान आता है। जो आज परिवार के परिवार जो इसमें लपेट में आ रहे हैं, उसका मूल कारण है, शुरुआत एसिम्टोमेटिक से होती है और केयरलेसनेस होती है। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है प्रोएक्टिव टेस्टिंग। हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो एसिम्टोमेटिक जो पेशेंट होगा वो भी ध्यान में आ जाएगा, तो परिवार में होम क्वारंटाइन वगैरह ढंग से कर लेगा, वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिंदगी जीता है वो नहीं जिएगा, और इसलिए पूरा परिवार जो आज सब लपेट में आ जाता है उसको हम बचा सकते हैं। और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं उससे ज्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है, बल टेस्टिंग पर देने की जरूरत है। और हमने सामने से टेस्टिंग के लिए जाना है, उसको तकलीफ हो और फिर टेस्टिंग करने के लिए आए और फिर उसको पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाए, और वो मैं समझता हूं क्रम हमारे लिए थोड़ा बदलना पड़ेगा। हमारे पास वायरस को कंटेन करने के लिए एक अहम तरीका है कि हम ह्यूमन होस्ट को कंटेन करें। मैंने पहले भी कहा था, ये कोरोना एक ऐसी चीज है कि जब तक आप उसको लेकर के नहीं आओगे घर में नहीं आता है, और इसलिए ह्यूमन सोर्स जो है
हर एक को हमने जागरूक करना पड़ेगा, उसने नियमों का पालन करना होगा, ये बहुत आवश्यक है। और निश्चित तौर पर इसमें टेस्टिंग और ट्रैकिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। हम टेस्टिंग को लाइट न लें, टेस्टिंग को हमें हर राज्य में इतना बढ़ाना होगा कि पॉजिटिव रेट कैसे भी करके 5% के नीचे ला करके रख जाए। और आपको याद होगा, शुरू में जब कोरोना की खबरें आने लगी तो हमारे यहाँ कंपटीशन होने लगी, वो राज्य तो निकम्मा है, वहाँ बहुत बढ़ गया, फलाना राज्य बहुत अच्छा कर रहा है, राज्यों की आलोचना करना बड़ा फैशन हो गई थी। तो पहली मीटिंग में मैंने आप सबसे कहा था कि संख्या बढ़ने से आप जरा भी चिंता मत कीजिए, उसके कारण आपको आपका परफॉर्मेंस बुरा है, प्रेशर में मत रहिए, आप टेस्टिंग पर बल दीजिए। और वो बात मैं आज भी कह रहा हूँ, संख्या ज़्यादा है इसलिए आप गलत कर रहे हैं ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप टेस्टिंग ज़्यादा करते हैं उसके कारण पॉजिटिव केस नज़र आते हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता वही है। और जो आलोचना करने वाले हैं, थोड़े दिन आलोचना सुननी पड़ेगी, लेकिन रास्ता तो टेस्टिंग का ही है। टेस्टिंग के कारण आंकड़ा बड़ा आ जाता है, आने दीजिए, उसके कारण कोई राज्य अच्छा है कोई राज्य बुरा है ऐसा मूल्यांकन का तरीका ठीक नहीं है। और इसलिए मेरा आपका आग्रह है कि इस प्रेशर से बाहर निकल जाइए, टेस्टिंग को बल दीजिए, भले पॉजिटिव केस ज़्यादा आते हैं आने दीजिए, लेकिन उसी का तो हम उपाय कर पाएंगे। और हमारी टारगेट 70% 70% आरटीपीसीआर टेस्ट करने का है। कुछ जगह से मेरे पास खबर आई है, मैंने वेरीफाई नहीं किया है, कि कुछ लोग जो आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं उसमें जो सैंपल लेते हैं उसमें बहुत लेथार्जिक है, ऐसे ही मुंह के आगे ही से सैंपल ले लेते हैं। ऐसा है, बहुत गहरे जाकर के सैंपल लिए बिना रियल रिजल्ट मिलता ही नहीं है। अगर आपने ऊपर ऊपर से ले लिया मुंह में थोड़ा सा डाल करके, तो जो रिजल्ट आएगा वो तो नेगेटिव ही आने वाला है। और इसलिए जब तक सुई को अंदर डाल करके सैंपल नहीं लेते हैं, जिन राज्यों में ये हो रहा है इसको रोकने के लिए कोशिश कीजिए, भले पॉजिटिव केस बढ़े चिंता मत कीजिए, लेकिन पॉजिटिव केस होगा तो ट्रीटमेंट होगा, लेकिन वो नहीं होगा तो घर में फैलाता रहेगा, पूरे परिवार को, पूरे मोहल्ले को, पूरे टेनामेंट को, सबको लपेट लेगा। हमने पिछली मीटिंग में भी इस पर चर्चा की थी कि आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है। और फिर मैं कहता हूँ कि प्रॉपर सैंपलिंग और प्रॉपर होना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लैब सबके सबको निगेटिव दे रही हैं, कुछ लैब सबको पॉजिटिव दे रही हैं, तो ये तो अच्छी चित्र नहीं है, तो कहीं कुछ कमी है और ये गवर्नेंस के माध्यम से हमने चेक करना होगा। कुछ राज्यों को इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत होगी, लेकिन इसे जितनी तेजी से करेंगे उतना ही मददगार होगा। लैब्स में शिफ्ट बनाने की जरूरत करनी है तो मैं समझता हूं इसे भी किया जाना चाहिए। साथ ही मैंने पहले से पारण में कहा, कंटेनमेंट जोन्स में टेस्टिंग पर हमें बहुत बल, जिस कंटेनमेंट जोन तय करें उसमें एक भी व्यक्ति टेस्टिंग के बिना रहना नहीं चाहिए, आप देखिए आपको परिणाम फटाफट मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, जहां तक ट्रैकिंग का प्रश्न है, प्रशासनिक स्तर पर हर इन्फेक्शन के हर कॉन्टैक्ट को ट्रैक करना, टेस्ट करना और कंटेन करना, इनमें बहुत तेजी की जरूरत है। 72 आवर्स में कम से कम 30 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से हमारा टारगेट कम नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति का खबर आया तो उसके 30 संबंधित लोगों जो भी मिले हैं उसको हमने करना ही पड़ेगा। कंटेनमेंट जोन की भी सीमाएं स्पष्ट होनी चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, पूरे के मोहल्ले इलाके के इलाके ऐसा मत करो। अगर दो फ्लैट हैं एक इमारत में 6 मंजिला है तो फिर उतनों को ही करो, बगल का टावर है उसको बाद में देखो, अदरवाइज क्या होगा कि हम सब के सब सरल मार्ग यही है कि मेहनत कम पड़ती है ये कर दो, इस उस दिशा में मत जाइए। आप सब इस दिशा में सक्रिय हैं,
बस हमारी सतर्कता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, यही मेरा आग्रह रहेगा। हमें ये सुनिश्चित करना है कि कोविड फटीक के चलते जमीन तक जाते जाते प्रयासों में सुस्ती किसी भी प्रकार से नहीं आने देनी है। कई राज्यों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को पीरियोडिकली क्रॉस चेक करने के लिए भी टीम्स बनाकर काम किया है, इसके अच्छे नतीजे मिले हैं। हम सबको ये भी अनुभव है कि जहां कंटेनमेंट जोन में हेल्थ मिनिस्ट्री की एसओपीस का, और मैं मानता हूं ये एसओपी बड़े अनुभव से तैयार हुई है और समय समय पर उसको अपग्रेड किया गया है, उस एसओपी का प्रभावी पालन हो रहा है, वहां बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। इसलिए मेरा ये सुझाव जरूर होगा कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए। साथियों, हमने चर्चाओं के दौरान अभी मोर्टालिटी रेट पर चिंता जताई, ये कम से कम रहे, इन पर भी हमें बहुत जोर देना है। और उसका मूल कारण यही है कि वो रूटीन लाइफ जीता है, मामूली बीमारी ऐसा मान लेता है, पूरे परिवार में फैला देता है और फिर एक स्थिति बिगड़ने के बाद अस्पताल तक आता है, फिर टेस्टिंग होता है और तब चीजें हमारे हाथ से निकल जाती है। हमारे पास हर हॉस्पिटल में डेथ एनालिसिस की जानकारी होनी चाहिए, किस स्टेज में बीमारी का पता चला, कब एडमिशन हुआ, मरीज को कौन कौन सी बीमारियां थी, मृत्यु के पीछे अन्य क्या फैक्टर्स रहे। ये डाटा जितना कॉम्प्रिहेंसिव होगा हमें उतने ही जीवन बचाने में बहुत आसानी होगी। साथियों, मैं आपकी भी जानकारी में है कि एम्स दिल्ली हर मंगलवार और शुक्रवार को इस विषय पर वेबिनार आयोजित करते हैं और देश भर के डॉक्टर्स उनसे जुड़ते हैं, ये लगातार होते रहना चाहिए। सभी राज्यों के अस्पताल इनसे जुड़ते रहें, जो नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल चल रहा है उनकी जानकारी सबको रहे, ये भी जरूरी है। और ये लगातार कम्युनिकेशन की व्यवस्था है, जो मेडिकल फैकल्टी के लोग हैं उनको उन्हीं की भाषा में उन्हीं को लोग समझाएं, इसका प्रबंध है, इसका लाभ लेना चाहिए। इसी तरह एम्बुलेंसेस, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की भी लगातार समीक्षा आवश्यक है। अभी तक जब पिछली बार हम पीक में थे, आज भी देश में उतना ऑक्सीजन का उपयोग नहीं हो रहा है और इसलिए एक बार एनालिसिस कर लें हम चीजों का, रिपोर्ट को जरा वेरीफाई कर लें हम। साथियों, एक दिन में हम 40 लाख वैक्सीनेशन के आंकड़े को भी पार कर चुके हैं। वैक्सीनेशन पर कई महत्वपूर्ण बिंदु इस चर्चा में हमारे सामने आए हैं। देखिए, वैक्सीनेशन में भी आपके अधिकारियों को लगाइए, दुनिया भर के समृद्ध से समृद्ध देश जिसके पास सब सुविधाएं उपलब्ध है, उन्होंने भी वैक्सीनेशन के लिए जो क्राइटेरिया तय किए हैं, भारत उनसे अलग नहीं है। आप जरा स्टडी तो कीजिए, आप पढ़े लिखे लोग आपके पास है, जरा देखिए तो सही। और नए वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए जितना भी कोशिश हो रही है, मैक्सिमम वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसके लिए भी काम हो रहा है, और वैक्सीन के डेवलपमेंट से लेकर स्टॉक और वेस्टेज जैसे जरूरी बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है। ये बात सही है, आपको मालूम है कि भी इतनी वैक्सीन बन पाती है। अभी ऐसा तो नहीं है कि इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियां कोई रातों रात लग जाती हैं। जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, किसी एक राज्य में सारा माल रख करके हमें परिणाम मिल जाएगा ये सोच ठीक नहीं है। हमें पूरे देश को ख्याल करके ही उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कोविड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट वैक्सीन वेस्टेज ये रोकना भी है। साथियों, वैक्सीन को लेकर राज्य सरकारों की सलाह, सुझाव और सहमति ने सही देशव्यापी रणनीति बनी है। मेरा आप सभी से आग्रह होगा कि हाई फोकस्ड रिस्ट्रिक्शन जो है
उनमें 45 साल के ऊपर 100% वैक्सीन के लिए लगातार प्रयास कीजिए। एक बार एक तो अचीव करके देखिए। मैं एक सुझाव देता हूं, क्योंकि ये कभी कभी वातावरण बदलने के लिए चीजें बहुत काम आती हैं। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं, एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का? एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें हम कि इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा। वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये हम लोग करें, और इसके लिए हमें यदि वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या बढ़ानी है तो उसको भी बढ़ाएं। पहले एक बार देखें कि हम 11 से 14 अप्रैल किस प्रकार से चीजों को मोबिलाइज कर सकते हैं। एक अचीवमेंट का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वातावरण बदलने में बहुत काम आएगा। और मैं भारत सरकार को भी मैंने कहा हुआ है कि जितनी मात्रा में हम वैक्सीनेशन पहुंचा सकते हैं पहुंचाने का प्रयास करें। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि इस टीका उत्सव में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें, और वो भी एलिजिबल वर्ग को। मैं देश के युवाओं से भी आग्रह करूंगा कि आप अपने आसपास के भी 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने के लिए मदद करिए। मेरी नौजवानों से विशेष अपील है, आप हेल्दी हैं, सामर्थ्यवान हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरा देश का नौजवान कोरोना के जो एसओपीज हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, डिस्टेंस मेंटेन करने वाली बात है, मास्क पहनने वाली बात है, अगर मेरा देश का नौजवान इसको लीड करेगा तो कोरोना की कोई ताकत नहीं है को मेरे नौजवान तक पहुंच जाए। हम पहले इस प्रिकॉशन को नौजवानों पर बल दें, नौजवानों को वैक्सीन के लिए जितना हम मजबूर करना चाहते हैं उससे ज्यादा उसको प्रोटोकॉल के लिए प्रेरित करें। अगर हमारा नौजवान इसको बीड़ा उठा लेगा, खुद भी प्रोटोकॉल का पालन करेगा, औरों से भी करवाएगा, तो आप देखिए वही स्थिति जैसे हम एक बार पीक पर जाकर के नीचे आए थे दोबारा हम आ सकते हैं। इस विश्वास के साथ हम आगे चल सकते हैं। सरकार ने एक डिजिटल व्यवस्था बनी आई है जिससे लोगों को वैक्सीन में मदद मिल रही है, और बहुत अच्छा अनुभव सब लोग लिखते भी हैं कि भाई मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा। लेकिन इस डिजिटल व्यवस्था से जुड़ने में जैसे भी परेशानी आ रही है, जैसे गरीब परिवार हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी का समझ नहीं है, मैं नौजवानों से कहूंगा ऐसे परिवारों को मदद करने के लिए आप आगे आइए। हमारे NCC हो, हमारे NSS हो, ये हमारे राज्य के जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं उनको हम काम में लगाएं ताकि लोगों को थोड़ी मदद मिले। हमने इसकी चिंता करनी चाहिए। शहरों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो गरीब है, बुजुर्ग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उन तक ये बातें पहुंचाएं, उनको हम वैक्सीनेशन के लिए ले जाएं। ये हमारे वॉलेंटियर्स को, सिविल सोसाइटी को, हमारे नौजवानों को हमारी सरकारें मोबिलाइज करें और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हम वैक्सीन लगवाना अगर हमारा प्रयास रहेगा तो हमें एक पुण्य का काम का संतोष मिलेगा और हमें उनकी चिंता जरूर करनी चाहिए। वैक्सीनेशन के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लापरवाही न बरते। सबसे बड़ी संकट ये हो गया है कि भाई अब मुझे कुछ होगा ही नहीं। देवन से मैं कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। हमें लोगों को यह बार बार बताना होगा कि वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क वगैरह जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन और अनिवार्य है। इंडिविजुअल लेवल पर लोगों में मास्क और सावधानी को लेकर जो लापरवाही आई है उसके लिए फिर से जागरूकता जरूरी है। जागरूकता के इस अभियान में हमें
एक बार फिर समाज के प्रभावी व्यक्तियों, सामाजिक संगठनों, सेलिब्रिटीज, ओपिनियन मेकर्स अपने साथ जोड़ना होगा। और इसके लिए मेरा आग्रह है कि गवर्नर नाम की जो अपने यहाँ इंस्टीट्यूट है उसका भी भरपूर उपयोग किया जाए। क्या गवर्नर साहब के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऑल पार्टी मीटिंग राज्य तो सबसे पहले कर लें, राज्य ऑल पार्टी मीटिंग करें और ऑल पार्टी मीटिंग करके एक एक्शनेबल पॉइंट तय करें। फिर मेरा आग्रह है कि गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री मिलकर के जितने भी इलेक्टेड लोग हैं उनका वर्चुअल वेबिनार करें। पहले अर्बन बॉडीज का करें, फिर रूरल बॉडीज का करें, जितने लोग चुन करके आए हैं उनसे करें और उनके सामने सभी आपके असेंबली में जो जीत करके लोग आए हैं उसके जो फ्लोर लीडर हैं सब संबोधन करें, तो एक पॉजिटिव मैसेज अपने आप शुरू हो जाएगा कि भाई इसमें राजनीति नहीं करनी है, सबने मिलकर के करना है। तो मैं समझता हूँ एक तो ये प्रयास करना चाहिए, दूसरा गवर्नर साहब के नेतृत्व में, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास बहुत काम रहते हैं लेकिन गवर्नर साहब के नेतृत्व में एकाध समिट बड़ा वेबिनार भी किया जाए और जो शहर हो वहाँ पर लोकल हो तो सभी धार्मिक नेताओं को बुला करके एक समिट हो जाए और बाकी लोगों को वर्चुअल जोड़ा जाए, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं एकाध समिट उनका कर लिया जाए, जो सेलिब्रिटीज हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, उनको एक बार कर लिया जाए। मैं समझता हूं कि ये गवर्नर के माध्यम से इस प्रकार के लगातार भिन्न भिन्न समाजों के लोगों को जोड़ने का एक मूवमेंट चलाया जाए। और यही बात कि भाई आप इन प्रोटोकॉल का फॉलो कीजिए, टेस्टिंग पर बल दीजिए। हमारा क्या हुआ है, हम एकदम टेस्टिंग भूल करके वैक्सीन पर चले गए। वैक्सीन जैसे जैसे प्रोडक्ट होगी, जैसे जैसे पहुंचेगी पहुंचेगी, हमने लड़ाई जीती थी बिना वैक्सीन को, वैक्सीन आएगी कि नहीं आएगी वो भी भरोसा नहीं था, तब हम लड़ाई जीते। तो आज हमें इस प्रकार से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों को भयभीत होने नहीं देना है। अगर हम जिस तरीके से लड़ाई को लड़े थे उसी तरीके से लड़ाई को जीत सकते हैं, और जैसा मैंने कहा पूरे परिवार लेपट में आ रहे हैं उसका मूल कारण जो मुझे नजर आता है, फिर भी आप लोग इसको वेरीफाई कीजिए, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं किसी चीज का, मैं सिर्फ अपना ध्यान आकर्षित करता हूं कि एसिम्टोमेटिक कारणों से शुरू में परिवार में ये फैल जाता है, फिर अचानक परिवार में जो पहले से बीमार व्यक्ति है या कुछ करने वाला है वो एकदम से नए संकट में आ जाता है, फिर पूरा परिवार संकट में आ जाता है। और इसलिए मेरा आग्रह है प्रोएक्टिवली हमने टेस्टिंग पर बल देना होगा। हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, हिंदुस्तान के हर जिले में लैब बन चुकी हैं, एक लैब से शुरू किया था हमने, आज हर जिले में लैब पहुंच गई है, और हम इस चीज को बल ना दे तो कैसे होगा। इसलिए मेरा आग्रह है, जहां तक राजनीति करना न करने का सवाल है, मैं तो डे वन से देख रहा हूं, भांति भांति के बयानों को झेल रहा हूं लेकिन मैं कभी मुंह खोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं ये हिंदुस्तान के लोगों की सेवा करना पवित्र हमारा जिम्मेवारी है। हमें ईश्वर ने इस समय ये कठिन परिस्थिति में सेवा करने का जिम्मा दिया है, हमने इसको निभाना है। जो राजनीति करना चाहते हैं वो कर ही रहे हैं, उनके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन हम सभी मुख्यमंत्री अपने राज्य के सभी दलों को बुला करके सभी प्रकार के लोगों को साथ रख करके अपने राज्य में स्थिति को बदलने के लिए आगे आएंगे। मुझे पक्का विश्वास है इस संकट को भी हम देखते ही देखते पार करके निकल जाएंगे। फिर एक बार मेरा यही मंत्र है, दवाई भी और कड़ाई भी, इस विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए जी। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपको जुकाम की दवा ले ली और बाहर बारिश आ रहा है आप कहें मैं छाते का उपयोग नहीं करूंगा, ये नहीं चल सकता है। आपको अगर जुकाम हुआ है, दवाई ली है, ठीक हुए हैं, तो भी अगर बारिश आ रही है तो आपको छाता रखना ही पड़ेगा, रेनकोट पहनना ही पड़ेगा। वैसा ही ये कोरोना एक ऐसी बीमारी है जैसे हर प्रोटोकॉल में फॉलो करते हैं, इसको भी करना पड़ेगा। और मैं ये कहूंगा कि जैसे हमने पिछली बार कोरोना को नियंत्रित किया था वैसे ही हम इस बार भी कर लेंगे, मेरा पक्का विश्वास है और मेरा आप पर भरोसा है। आप अगर इनिशिएटिव लेंगे, चिंता करेंगे और फोकस टेस्टिंग पर कीजिए, वैक्सीनेशन की व्यवस्था एक लंबे कालखंड के लिए है जो निरंतर चलानी होगी,
वो चलाते रहेंगे। आज बल हम इस पर दें और जो एक टीका उत्सव एक ब्रेक थ्रू करने के लिए तय किया है, उस टीका उत्सव पर हम एक नई सफलता प्राप्त करें, एक नया विश्वास पैदा करने के लिए एक छोटा सा अवसर काम आ सकता है। मैं फिर एक बार आपके सुझावों की प्रतीक्षा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। मैं अब सभी का धन्यवाद करकर हम इस बैठक की समाप्ति करते हैं। आज जो प्रधानमंत्री जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है उस पर अपने अपने राज्य में हम तेजी से आगे बढ़े और फिर एक बार कोरोना पर विजय प्राप्त करें, यही सबको मेरा निवेदन है। धन्यवाद।